भोजन के लिए जंगल से फलों का संग्रह और बहुउद्देश्य उपयोगों के लिए जंगली खाद्य फलों का मूल्य संवर्धन भारत के आदिवासियों एवं ग्रामीणों के बीच एक पुरानी प्रथा है। जामुन, करौंदा, फालसा, बीजू आम, बेल, बेर, आंवला और ऐसे अन्य जंगली खाद्य फल भारतीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं, त्योहारों और अनुष्ठानों से आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं। ईसा पूर्व के सदियों से लेकर आज तक भारतीय आयुर्वेदिक साहित्य में बेल, आंवला, कटहल, जंगली खजूर, जंगली अंजीर, जामुन, बेर, आम, कैथा जैसे फलों के औषधीय उपयोग मिलते हैं। भारतीय उष्ण कटबंधीय और हिमालय बेल्ट में जंगली फलों की समृद्ध विविधता न केवल पौष्टिक भोजन प्रदान करती है बल्कि जंगलों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और गरीब लोगों को आय भी प्रदान करती है। अक्सर जलावन, लकड़ी, चारा प्रदान करने के अलावा ये भोजन की कमी के वक्त उनका बहुत बड़ा सहारा होती है। कई जंगली फल पौष्टिक रूप से औषधीय महत्व के होते हैं, इसलिए इन मूल्यवान संसाधनों का अनुकूल उपयोग आवश्यक है। अतः ये जरूरी है कि उपयोग में आने वाली इन प्रजातियों की पहचान, मूल्यांकन, सुधार, प्रसार और खेती के लिए और ग्रामीणों की आजीविका को समृद्ध करने हेतु इनके बहुआयामी उपयोगों पर अनुसंधान किया जाए। वन उत्पादकता संस्थान रांची झारखंड में स्थित उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र वानिकी अनुसंधान संस्थान है, जिसका मुख्यालय भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है। ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त परिषद है। आदिकाल से जंगल में पाए जाने वाले फल फूल, कंद एवं लकड़ी इत्यादि जंगलों के आसपास रहने वाले जो ग्रामीण भाई हैं उनके लिए आजीविका का स्रोत होते हैं और एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 करोड़ लोग हमारे देश में पूरी तरह से इस तरह से वनों से के उत्पादों के रूप में जो उपलब्ध हैं इनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। इनकी जानकारी के अभाव में कई बार हम इनका दोहन सतत रूप से नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से कई बार इन कई प्रजातियों का ह्रास भी हो जाता है। इस प्रकार के जो प्राकृतिक रूप से जंगलों से पाए जाने वाले जितने भी स्रोत हैं जिनको हम लोग NTFPs भी कहते हैं, इनका सतत प्रबंधन, इनके बारे में आवश्यक जानकारी ना केवल हमें होना चाहिए बल्कि हमें जनमानस को भी पहुंचाना चाहिए, जिससे कि उसका हम लोग इस प्रकार से प्रबंधन करें कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर पाएं। तो अच्छी तरह से पहचान और उनके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है जो कि इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। जंगली खाद्य फलों को कम या उपेक्षित फसलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है क्योंकि ये प्रजातियां जंगल में उत्पन्न होती हैं या स्थानीय स्तर पर उगाई जाती हैं। इनके महत्व को समझते हुए भी इनकी आर्थिक संभावनाओं के विश्लेषण को कम आकर संबोधित किया गया है, लेकिन कई देशों में जैसे भारत, ब्राज़ील, टेंजानिया, अफ्रीका इत्यादि में लाखों लोग अपने खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन जंगली खाद्य फलों पर खाद्य संकट की अवधि में निर्भर रहते हैं। कई जंगली खाद्य फल पौष्टिकता से भरपूर हैं और ये विशेष रूप से विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। कुछ जंगली फल व्यापक रूप से उपलब्ध वाणिज्यिक फलों की तुलना में भी अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए संतरे की विटामिन सी की मात्रा लगभग 57 मिलीग्राम पर 100 ग्राम्स है। जिजिफस जुजुबा जिसे हम बेर कहते हैं उसमें 1000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ विटामिन सी पाया जाता है। इन जंगली प्रजातियों की यह भी खासियत होती है कि ये तेज़ी से होते हुए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सहजता से अपने आप को ढाल लेती हैं और यही विशेषता उन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इस दुनिया में 3000 से अधिक खाद्य फल उपलब्ध हैं और भारत में विशेषतः उष्णकटिबंधीय
उप उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में जंगली फलों की विशाल विविधता मौजूद है। हालांकि कुछ प्रजातियां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क और शुष्क इलाकों में पाई जाती हैं, जैसे डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स वगैरह। कुछ प्रजातियां जैसे बेल, कैथा, आंवला, जामुन, बेर, करौंदा, इमली इत्यादि पूरे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। भारत में समशीतोष्ण फलों की विविधता जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। इन जंगली खाद्य फलों के पौधों की प्रजातियों के महत्व को समझते हुए एवं इन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए इन्हें एकत्र करना, इनका प्राकृतिक संरक्षण करना और मूल्यांकन करने के प्रयास निरंतर किए जाने की आवश्यकता है। हमेशा से यह सवाल उठाया जाता रहा है और कई अध्ययनों के आधार पर यह साबित किया गया है कि जंगली खाद्य फल जो विविध पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और व्यापक रूप से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, क्यों उनके महत्व को कम आकलन किया जाता रहा है, बावजूद इसके कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के अल्प पोषण की बढ़ती दरों में कमी करने का उपयुक्त विकल्प है। जंगली फलों में पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फैट, राइबोफ्लोविन, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। जंगली फलों में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, कैंसर रोधीगण, एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं। झारखंड राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 32% वन है। आमतौर पर यहाँ की मृदा संरचना हल्की है और मृदा अपरदन की दर उच्च है। झारखंड राज्य वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र है, जहाँ धान आधारित फसल प्रणाली प्रचलित प्रथा है। मृदा सर्वेक्षण में राज्य के जैविक कार्बन की स्थिति निम्न से मध्य पाई गई है। फास्फोरस की उपलब्धता भी कम है एवं सूक्ष्म पोषक तत्व अर्थात बोरन और जस्ता में कमी है। इन परिस्थितियों में अधिकांश कृषि फसलों की उत्पादकता कम है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च भूमि कृषि की लाभकारिता में कमी आई है। इन्हीं कारणों से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो जंगली खाद्य फलों पर निर्भर करते हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग महुआ के फूल को चुनकर और उसे व्यापारी लोग को बेचते हैं, उनसे इनके आजीविका में एक बहुत अच्छा आमदनी होती है। इसके अलावा इसके बीज की भी बिक्री होती है, जिसे यहाँ पर टोड़ी कहा जाता है, जिससे यहाँ लोकल घी या डालडा का निर्माण किया जाता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जितने भी फल जंगलों में पाए जाते हैं, जो खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों के अलावा इनका मेडिसिनल गुण भी होता है, जिससे बहुत सारे औषधीय का निर्माण होता है, जिसमें एक सबसे प्रमुख प्रचलित औषधि है त्रिफला, जिसको हर्रे बहरा और आंवला के मिश्रण से तैयार किया जाता है। जो मुख्य प्रजातियां हैं जिनके फल को खाया जाता है, उनके संरक्षण के लिए भी हमारे संस्थान में बहुत से वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, ताकि जंगलों में उसकी संख्या को बढ़ाया जा सके।